रिकमेंडेशन दी है। स्कॉच में पिछले दो एक्सपायरी से एक काफी सारे शॉर्ट पाइलअप्स थे, ट्रेंड के लिहाज से एक लॉट ऑफ लो बॉटम सीक्वेंस भी बन चुका था। बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा शेपअप हुआ था, जिस तरीके से 2800 के आसपास जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से एक रिकवरी हुई है, तो जल्दी मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। 3000 का एक अहम रेजिस्टेंस था, ये इसने कॉन्फिडेंटली तोड़ा है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, अगर हम डेली चार्ट देखें या 60 मिनट चार्ट देखें, तो वहां पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 30-50 तक वेल प्लेस्ड है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 31-30 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा इमीडिएट बेसिस पे। अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3020 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 3160 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3250 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। बिल्कुल नितिन जी, के लिए निफ्टी